दोस्तों इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं IQ Z3 5G की। यहाँ पे आप बॉक्स से देख सकते हो फाइनली IQ ने लॉन्च कर दिया है IQ Z3 एंड देखते हैं कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा है, कैसा कैमरा क्वालिटी है एंड कैसा परफॉर्मेंस है एंड सारी चीजें। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा अगर आप ये फोन लेने की सोच रहे हो तो ये फोन आपके लिए कैसा है। तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस आइए हम देखते हैं कि आखिर इस फोन के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले दोस्तों बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो IQ की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड इस साइड में दोस्तों आपको IQ Z3 5G लिखा हुआ दिखाई देगा। बॉक्स हमेशा की तरह एकदम यूनिक एंड स्टाइलिश बनाई गई है। तो फटाक से हम यहां से इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे दोस्तों हमें ऊपर ही एक नया सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या चीजें दी हुई है। ओके, सो इसके अंदर दोस्तों हमें मिल जाता है, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें ये एक USB केबल देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये टाइप सी का जो है USB केबल हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक फास्ट USB केबल है। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ जो है यूजर मैनुअल एंड क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है एंड यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको बॉक्स के अंदर एक ट्रांसपेरेंट कवर दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलिकॉन का है एंड ये कवर जो है ना काफी जल्दी पीला सा पड़ जाता है तो चीज अच्छा नहीं लगता एंड वही कवर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें यहां पे मिलता है हमारा मेन चीज। ओके, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। सो यहां पे आप देख ही सकते हो कलर वगैरह, तो इसे अभी करते हैं साइड में एंड ओके यहां पे मैं रख देता हूं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक एडाप्टर, यहाँ पे मैं आपको इसे भी निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 66 वॉट का दोस्तों एक फ्लैश चार्ज देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग दी हुई है फ्लैश चार्ज 66 वॉट का, मतलब कि कितना फास्ट ही आपके स्मार्टफोन को चार्ज करेगा आप सोच ही सकते हो। तो अब इन सब चीजों को करते साइड में एंड आते अपने फोन की तरफ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा स्मार्टफोन, तो इसे फटाक से मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, रैपर से बाहर निकाल लेते हैं एंड लुक देखते हैं। वाओ भाई, आप देख सकते हो दोस्तों कितना गजब लुक है ना, मतलब कि यहां पे जो कलर है ना रेनबो कलर आप इसे बोल सकते हो, हर एक कलर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको IQ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड आई थिंक ये प्लास्टिक बॉडी है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लास्टिक बॉडी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बॉडी दी हुई है यहाँ पे जो डिजाइन दिया हुआ है ना वो आप देख सकते हो। एक अच्छी बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो फिंगर का मतलब कि वो होता है ना प्रिंट, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि ये एक मैट बॉडी फिनिश है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ फोन को बूट कर लेता हूँ। ओके, सो फोन ऑन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब तक फोन ऑन होता है ना तब तक मैं आपको इसका जो है कुछ फिजिकल ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस फोन के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ये जो है हमें कैमरा देखने को मिलेगा एंड बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा है ना गाइस वो है 64 मेगापिक्सल का एंड उसके बाद 8 मेगापिक्सल का आपको 200 अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। यहां पे LED फ्लैश भी दिया हुआ है, नीचे की तरफ IQ की ब्रांडिंग दी हुई है एंड उसके बाद एकदम नीचे आप देखोगे तो यहां पे 200 स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है एंड टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन है एंड हमारा प्यारा हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। इस साइड में दोस्तों हमें मिल जाता है पावर बटन, वॉल्यूम बटन एंड आपको बताऊं पावर बटन में दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है, मतलब कि ये दो दो काम करेगा एंड ऊपर की तरफ दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मतलब कि आप अपना सिम वगैरह लगा सकते हो। इस साइड पूरा का पूरा प्लेन है, इस साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो ये काफी अच्छी बात है। और फटाफट मैं फोन को जो है सेटअप कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली फोन ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इंप्रेशन में जो डिस्प्ले है गाइस ऑब्वियसली मस्त लग रहा है। यहाँ पे 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ में वाटर ड्रॉप नॉच दिया हुआ है एंड 20:9 एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, मतलब की ओवरऑल ये जो डिस्प्ले है ना एकदम मस्त बनाया हुआ है। 120 हर्ट्ज यार बहुत ज्यादा होता है, अगर यहाँ पे दोस्तों आपको IPS LCD के जगह AMOLED डिस्प्ले मिल जाता ना, सुपर AMOLED, तो बहुत
ज्यादा मजा आ जाता गेमिंग के लिए, मतलब कि यार 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट साथ में अमोल्ड डिस्प्ले, तो मतलब बोल सकते हो यार एकदम खतरनाक हो जाता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज की कमी रह गई, वो है दोस्तों अमोल्ड की। अब बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 768 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ में 8GB का रैम दिया हुआ है, 3GB एक्स्ट्रा रैम आप इसमें जो है लगा सकते हो, मतलब कि 3GB का एक्सटेंडेड रैम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। टोटल अगर करेंगे तो 11GB का रैम मिल जाता है एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया हुआ है एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज है। तो ओवरऑल ये जो सारी चीजें है ना एकदम इस फोन को और ज्यादा बेहतरीन बना देती है। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे इस फोन के अंदर दोस्तों 4400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है एंड यहाँ पे चार्जर तो मैंने आपको दिखाई दिया 66W का यहाँ पे चार्जर दिया गया है जो कि आपके फोन को दोस्तों बहुत ही जल्द फुल चार्ज कर देगी 0 से 100%। बात करें कैमरा की तो यहाँ पे कैमरा ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, ये फ्रंट साइड का आप कैमरा देख सकते हो, मैं बैक साइड का कैमरा दिखा देता हूँ। कितने मोड्स दिए गए हैं, नाइट मोड दिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है, ओके उसके साथ साथ यहाँ पे फोटो वीडियो एंड मैक्रो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे मोड हमें देखने को मिल जाते हैं कैमरा में। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ जो है सैंपल दिखा रहा हूँ, आप देख ही सकते हो, मतलब कि सही है यार एकदम फर्स्ट इंप्रेशन में जो क्वालिटी आ रही है ना वो एकदम मस्त है, लाजवाब बोल सकते हो गाइस। कैमरा क्वालिटी तो यहाँ पे एकदम मस्त है, जबकि आईक्यू अपना जो स्मार्टफोन होता है वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन इस बार कैमरा भी काफी मस्त दिया हुआ है। तो ये दोस्तों काफी बोल सकते हो एक अच्छा पैकेज बन आता है IQOO Z3 5G। अब बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो प्राइस डिटेल वगैरह सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूं तो मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन पर्सनली गाइस मुझे ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस फोन में मुझे सिर्फ एक चीज की कमी लगी, वो है डिस्प्ले, यानी कि यहां पे हमें अगर सुपर एमोल्ड डिस्प्ले मिल जाता ना तो और ज्यादा बेहतरीन हो जाता, लेकिन IPS LCD से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।